दोस्तों तमिलनाडु के अंदर 8 फरवरी को एक कमाल होने वाला है। दरअसल एक कपल है जिन्होंने मेटावर्स के अंदर शादी करने का फैसला किया है, वो भी हैरी पॉटर थीम स्टाइल के अंदर वेडिंग रिसेप्शन करा जाएगा, जिसके अंदर सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाएगा और उनके रिश्तेदार आएंगे। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही, सिर्फ एक, बाकी सारी समझ में आ गई कि भाई 95% लोग शादी में जाते किस लिए? खाना खाने के लिए जाते हैं। अब उन्हें खाना नहीं मिलना, 30,000 का VR हेडसेट पहन के बैठ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बिना सजे धजे। अब सजे धजने का भी तो होता है थोड़ा बहुत ना, वो किया जाएगा, वही भी चड्डी बनियान पहन के बैठ जाओ, VR हेडसेट लगा के मेटावर्स के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर हैरी पॉटर थीम के कपड़े पहन लो। और जो दूल्हा दुल्हन होंगे वो तो खैर नॉर्मल कपड़े ही पहनेंगे, जैसा कि दूल्हा दुल्हन पहनते हैं शादी के अंदर वो वैसे ही पहनेंगे। पंडित भी हैरी पॉटर स्टाइल में एक लाइट लेके, वो जो पुराने जमाने की लाइट होती है, डंडा लेके वो उनके फेरे करवाएगा वहाँ पे। और इसी के साथ साथ जो शगुन होता है, नेक होता है, वो क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे कि भैया क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप दे दो ये सारा माल। और देखो बेसिकली बात ये है कि 5% ऐसे लोग होते हैं शादी के अंदर जो फेरे तक रुकते हैं, बाकी सारे तो खा पी के निकल जाते हैं। लेकिन ये अपने आप की एक पहली शादी होगी जिसके अंदर कार्ड के अंदर ही लिखा होगा कि भैया अपना खाना अपने घर पे ही खा लेना और हमारी शादी इंजॉय करो लैपटॉप के ऊपर। खैर अच्छी बात है, शादी हो रही है, बधाई हो उनको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम थोड़े खौवे टाइप के लोग हैं, हम खाने के लिए जाते हैं। दोस्तों US के कॉलोनियल पाइपलाइन जो कि फ्यूल सप्लाई करता है ईस्ट कोस्ट के अंदर, जहां पर पूरा आधा ईस्ट कोस्ट उसी के ऊपर निर्भर करता है, जितने भी पेट्रोल पंप है और वहां पर पाइपलाइन पूरी की पूरी गई हुई है, लेकिन उनके सिस्टम को रैंसमवेयर से अटैक कर दिया गया था जिसके बाद में वो इनक्रिप्ट हो गए थे। अब वो किसी काम के रहे नहीं थे, जिसके बाद में वहाँ का पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था क्योंकि लोगों ने रश बाय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबको मालूम चल चुका था कि अब पेट्रोल की एक शॉर्टेज आने वाली है, क्योंकि पेट्रोल अब वैसे आ नहीं रहा जैसे पहले आता था। अब वो ट्रकों से भेज रहे थे एक एक जगह पर, US काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इस वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी और काफ़ी बुरा हाल हो चुका था वहाँ पेट्रोल को लेकर। तो अब रशिया ने उन हैकर्स को कैप्चर कर लिया है जिन्होंने ये सारा का सारा अटैक किया था। दरअसल आर इवल रैंसमवेयर ग्रुप था जिन्होंने हाहाकार मचा रखा था सारी दुनिया के अंदर। फिलहाल के लिए इस अटैक को लेकर इतनी ज्यादा बातें बढ़ चुकी थी कि रशिया ने अब मदद करनी ही थी US की, जहां पर इस हैकर को पकड़ लिया गया। फिलहाल के लिए 13 और लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, टोटल 14 लोग थे तो एक पकड़ा गया और बाकियों को देखो किस तरीके से पकड़ा जाता है। बाकी ये है कि आर इवल ग्रुप का जो खुलासा था वो हो चुका है और अब देखते हैं कि ये कब तक देते हैं US को। हालांकि काफ़ी टाइम लेते हैं ये, जब एक बार पकड़ लेते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मुश्किल है, क्या पता दे ना दे और अपने ही अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करते रहे। लेकिन हाँ ये है कि 8 सालों के अंदर पहली बार रशिया ने US के साथ में कोऑपरेट किया है उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जहाँ पर अब हैकर्स को पकड़ भी लिया है। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी डेली सेल्फी लेते हैं अपने आप को देखने के लिए कि कितना इम्प्रूव हो रहा हूँ मैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया का एक लड़का था 22 साल का, जिसने 2027 से लेकर 2021 तक अपने PC के आगे बैठकर अपनी सेल्फी ली और लेता गया, मतलब डेली लिया, ऐसे नहीं कि कभी ले ली कभी नहीं, डेली उसने लिए, हर दिन उसने सेम काम किया एक ही जगह पर बैठ के, वो था उसका PC। और इसके बाद में ये सारी ही पिक्चर उसने NFT के ऊपर डाल दी जो कि 1 million US dollar के अंदर बिक चुकी है। तो सीख लो इस लौंडे से कुछ कि भैया बैठे बैठे भी पैसा कमाया जाता है। PC के आगे बैठता रहा और 2017 से 2021 तक यानी 4 साल इसने अपनी इमेज कैप्चर करता रहा और उसके बाद में NFT पे बेच दी। इसको क्या मालूम था कि NFT आएगी, और आई तो इसने लगा दी सेल पे। और ये भी काम में आती है रिसर्च के, कि मतलब किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इंसान के अंदर, तो ये शायद उस रिसर्च के अंदर काम आएगी मे भी। दोस्तों अचानक ही पता नहीं क्या हुआ है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर कह रहे हैं टेस्ला को ट्वीट करके, एलन मस्क को भी ट्वीट करके, कि भैया अपनी कार को लेके हमारे इधर आओ, हमारे स्टेट के अंदर आओ और उसके बाद में यहाँ बेचनी शुरू करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का थोड़ा बहुत मतलब ग्रोथ बढ़ाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं टाटा से क्या नफरत है, ये काम तो टाटा भी कर सकता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चाहिए, क्योंकि टाटा ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने ही है फ्यूचर में और बना भी लिए होंगे मे बी। सो टेस्ला की कारें ऑटोनोमस व्हीकल के तौर पर अच्छी लगती है मेरे हिसाब से, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चाहिए तो भैया टाटा भी कर सकता है काम, तो ये तो वही बात होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।